कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप संसद पर ही आरोप लगाएं, इस संस्था में आप बैठे हैं जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो सर, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति में बोले, इस संसद की बात कर रहे हैं, संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। सर हमारे संसदीय इतिहास में सबसे ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है, और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर। एक मिनट, आप भी चुको। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वो सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। बोले आप, कोई दिक्कत सर, नहीं। 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं, लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड, आप एक मिनट मानिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप संसद पर ही आरोप लगाएं, इस संस्था में आप बैठे हैं जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट के सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर, आप सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ। मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस 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 जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं, और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं, संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उसके उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए, 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी दो सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज, बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो,
लेकिन सदन के निर्णय पर मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना ना सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप, नो नो उठा सकते हैं। अभी तक सर आप बताइए 28 सर रूल 378 समय समय पूरा दीजिएगा सर 378 समय पूरा दीजिएगा सर कि स्पीकर के जो डिसीजन है सर इस हाउस के जो डिसीजन है सर इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है, कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है सर और 378 के हिसाब से सारा एक्सपेंस करिए सर। पा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया, महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, रोका नहीं गया। तो सर मैं बस तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स 64 बिल्स हैव बीन पास्ड विद लेस देन वन आवर ऑफ डिस्कशन। दिस लोकसभा द करंट लोकसभा इट विल फिनिश इज 5 years विदाउट द पोजिशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर बींग एलोकेटेड टू अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। दिस 17th लोकसभा इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा of India who have completed 5 years will show the least number of sittings when it ends on Feb 9th. राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोल रहे हैं, संसद बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आप धन्यवाद, लोकसभा में ये जो सुनिश्चित योजना है और लोकतंत्र को खत्म करके पीठ पे भी बोल रहे हैं को कायम बनाना, स्पीकर के राजतंत्रों को की जो एक परंपरा यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रही है, इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है। भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में और सर इसमें तो ये माहिर है, ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है। और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने PhD की है।